यहाँ मेरे सभी ट्रेड यूनियन के काजमी साहब हैं। सबसे पहले मैं किश्तवाड़ की पाक सरजमीं पे अपने महबूब रहनुमाओं का, अपनी और तमाम जिला इकाई की ओर से इनका स्वागत करते हैं दिल की अमीक गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। हमारे जितने भी मेरे साथी सुबह 10 बजे से ही जनाबी वाला की आमद का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा मैं अपनी पार्टी के बारे में आप तमाम साथियों को रोशनास करूं। तफसीलन मेरे रहबर लोग खूब ज्यादा थे, हमारे महबूब रहनुमा शहर दिल जनाबे बुखारी साहब अपने तमाम हमरा साथियों के ये सोच विचार के बाद लोगों की रहबरी करनी है तो किस अंदाज में की जाए, जिसमें तमाम लोगों की एस्पायरेशंस जम्मू और कश्मीर में तमाम की एस्पायरेशंस को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कायम अमल में लाया गया। यहाँ की नौकरियों की बात थी, यहाँ के जमीन की तहफ़ुज की बात थी, यहाँ जुल्म तशद्दुद की बात थी। जनाब वाला ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने जिला के मसाइल आपके सामने रखना चाहूंगा। लोगों ने बदलाव लाया था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुल्म सितम से तंग आ गए थे। रात को पता नहीं था मेरे साथियों को कि शाम को सोऊं सुबह किस जेल में होऊंगा। ये सारी कारसतानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके पास भी जो इम्पोर्टेंट जमीन थी, कमर्शियल जमीन थी, जो उनको पसंद आती थी, अगर कोई मेरा जमींदार साथी इनकार करता था रातों रात उसको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता था, उसको उठाया जाता था, केसेस उस पर लायद किए जाते थे। लोगों ने सोच विचार करके एक परिवर्तन के तौर पे भाजपा को चुना था, लेकिन आज हम अफसोस से कह रहे हैं आप लोगों को, भाजपा भी उसी लक्ष्य कदम पे चल रही है। आज यहाँ पे जनाबी वाला पावर प्रोजेक्ट्स का हब है। आज मैं बोलने से कासिर नहीं हूं, एक प्रोजेक्ट स्वर्गीय मेहता ओम जी जो यहाँ के मुकामी लीडर थे उन्होंने ढूलस्ती दिया था, किश्तवाड़ की काया पलट गई थी। आज यहाँ चार प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, चार प्रोजेक्टों पे काम शुरू है। डूलसी जयप्रकाश इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही थी, 750 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 4000 के लोग एम्प्लॉय वहां काम कर रहे थे। बदकिस्मती है आज हमारे पास उसी जयप्रकाश कंपनी के पास 3600 करोड़ का एक ही डैम अब अफगान के पास है, फिर उसके बाद किरू अलग, क्वाड अलग, रटले अलग, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनाब आला 1000 से ऊपर नहीं है इन तमाम प्रोजेक्टों में। वजह हमारे लीडरों ने ये प्रोजेक्ट ठेकेदारों को बेच दिया है, चंद ठेकेदारों को। हमें गिला नहीं है कि वो पिकेट चूज करके लगवाते हैं, हम कहते हैं कि लगाओ, लेकिन खुदा रा लगाओ, लेकिन आपने हमारे लोगों को सड़क दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जनाबी वाला यहाँ के एमएलए ने कहा था, साबिक विधायक ने, कि यहाँ के बेरोजगार नौजवान छोड़ो, यहाँ की महिलाएं भी परस उठाएंगी, कोई बेरोजगार नहीं होगा। आज जनाबी वाला प्रोजेक्ट के अंदर मजदूरी करने के लिए पिक एंड चूज पॉलिसी है, लांगरी बार से लाया जाता है। अफसोस यहाँ का जनाबी वाला
मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां के लोग टनल बोरिंग मशीन के एक्सपर्ट हैं, कोई ये कहे कि यहाँ ट्रेड नहीं है, मजदूर जो हटा कटा है उसको रीगर का नाम देके अपॉइंट किया जाता है और हमारे लोगों को इग्नोर किया जाता है। जनाबी वाला, हमने काफी बार इनको चेतावनी दी। जनाबी वाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप कहते हैं, हम कहते हैं कि ये अलग अलग हैं। जनाबी वाला, कारोबार के लिए ये सब एक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट की कॉल दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिला सदर, करोड़ों का काम अलर्ट, लोग दरबदर। जनाबी वाला, पीडीपी का लीडर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, यहाँ तक कि जनाबी वाला यहाँ के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, डिप्टी कमिश्नर, एसपी साहब, जनाबी वाला माजी हमने देखा, यह डिप्टी कमिश्नर अभी नया नया है, एसपी भी नया आया है, लेकिन पुराने लोगों को बराबर की पत्ती थी। इंक्वायरी बिठाओ, अगर झूठ कहता हूँगा तो मुझे फांसी पे लटकाया जाए। आखिरकार जनाबी वाला, हम कब तक जुल्म सहते जाएंगे? आज लोगों को आपके आपकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण जागी है। अब यहाँ का नौजवान खामोश बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है हमारे साथ एक ताकत है बुखारी साहब के रूप में। और बहुत जल्द अपनी पार्टी बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाबे मीर साहब जिंदाबाद, अस्कर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। की कमी है, आज मैं तमाम साथियों का बड़ा आभारी हूँ, चाहे फारूक साहब हो या मेरे अशरफ साहब हो, नसीर साहब हो, तौसीफ भाई हो या मेरे शबीर भाई हो, जितने भी मेरे साथी हैं, जिन्होंने आज जो अपनी पार्टी के जिम्मेदार लीडरान हैं, वसीम भाई है, मेरा उमर मिजनू साहब है, यूथ का प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे शाह साहब गुलकाक, हमारा मेरे यूथ का प्रेसिडेंट शाहिद साहब, यहाँ मेरे जनरल सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी मुकुल साहब, दार साहब, यहाँ मेरा साथी रहमत चौधरी साहब, यहाँ मेरे ये जनाबे कोऑर्डिनेटर आमिर नकीब साहब, शेराज खान साहब, अशरफ साहब, जितने भी मेरे साथी हैं, मोमिन भाई, वसीम भाई, या मेरे यहाँ स्टेज पे बैठे उमर भाई, लतीफ साहब, मलिक असलम साहब, जो माजत चाहूंगा, इन पे नजर ही नहीं पड़ी मुझे, माजत खड़ा हूँ, मेरे पुराने साथी हैं, कांग्रेस के पीसीसी मेंबर थे मेरे साथ, आज हमें खुशी है कि उनको सेक्रेटरी बनाया गया प्रोविंशियल, मेरा पुराना साथी है दानिश भाई, शहराज का भी शहराज भाई, इंजीनियर हमारे पास दर्जनों इंजीनियर हैं जनाबी वाला, जो अपनी पार्टी का झंडा लेके अजम किया है कि हमने अपनी पार्टी इनकलाब लाना है और अपनी पार्टी को किश्तवाड़ में। जनाबी वाला, हम आपको यकीन दिलाते हैं, तो अपने जिला के अंदर फिलहाल 2 सीटें हैं, ये कोई वहमो गुमान में ना रहे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आज किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो जनाबी वाला आपके साथ जुड़ी है, ये सिर्फ सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी दयानतदारी, आपका जो सफाया साफपन है, क्लियर विजन है, उसको देखते हुए जनाबी वाला ये सभी लोग आपके घायल हैं, आपके मरीज हैं। जनाबी वाला, ज्यादा कुछ न कहते हुए, कुंतवाड़ा से मैं बेखसूस इस कुंतवाड़ा इलाके की बात करूं, आज तक बिचारों को रोड नहीं है, दुनिया आसमान पे पहुंची, चांद पे पहुंची, मेरे कहीं इलाका जात आज सड़क पानी से महरूम है। लिहाजा ज्यादा न कुछ कहते हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो यहाँ आए तहे दिल से जनाबी वाला को सुनिए, सभी लोग इत्मीनान से बैठिए, सभी लोगों के हम आभारी हैं, जो लोग यहाँ आए, हम आपका दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया करते हैं, कदर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर